प्रदेश में गुरुकुल के प्राकृतिक खेती मॉडल को बढ़ावा देने को सरकार भी कमर कस रही है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती का माहौल तैयार किया जाएगा, इसी के लिए सभी जिलों में 500-500 किसानों को ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनर आगे किसानों को इस खेती के बारे में बताएंगे। सरकार ने 1,00,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे लेकर गुरुकुल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से पद्मश्री सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, साथ ही वर्कशॉप भी हुई जिसमें सीएम के अलावा कई मंत्री व विधायक भी शामिल हुए। इन सभी को प्राकृतिक खेती तकनीकी से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने विधिवत कार्यशाला का शुभारंभ किया। 2,11,00,000 में बने प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। सभी को मिर्जापुर के पास गुरुकुल के फार्म हाउस पर प्राकृतिक खेती भी दिखाई। सीएम ने कहा कि आज प्रकृति बचाना जरूरी है, प्रकृति के संतुलन में मनुष्य की भूमिका अहम है। उत्पादन बढ़ाने और जल्द उत्पादन के लिए रसायनों व कीटनाशक दवा का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिसके चलते कई समस्याएं गहराई हैं। इसी के लिए पद्मश्री सुभाष पालेकर के विचारों को अपनाकर प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना होगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझना होगा। जैविक खेती से किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए सभी को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। सीएम ने बताया कि सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में 1,00,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों के दिल में से भय निकालने और विश्वास पैदा करने के लिए किसानों को सबसे पहले प्रशिक्षित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय के संवर्धन में को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गाय सेवा आयोग के बजट को भी बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया है। सरकार ने अभी तक प्रदेश में 500 FPO स्थापित किए हैं। आने वाले समय में 1,000 और FPO स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए सबसे पहले तो वातावरण बनाना होगा। हम अपने या इस जिला से जुड़े हुए और सब तरह के लोग हैं, उन सबको बुला करके और एक ट्रेनर्स की एक वर्कशॉप करेंगे। 100 से लेकर 200 का सेट रखा है और फिर सभी 22 जिलों में अगले 3 महीने में 500 से लेकर 1,000 तक इन किसानों को बुलाकर, उसमें कुछ सुखों में सिफारिश होंगे, दूसरे किसान होंगे, ऐसे लोगों को बुला करके उनको एक संस्थाइज किया जाएगा, उनको एक वातावरण बनाया जाएगा क्योंकि इस पद्धति से बढ़ने से उनको क्या क्या लाभ है। इसमें कुछ शंकाएं हैं किसानों की, उन शंकाओं को दूर किया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि हम हरियाणा प्रांत के किसानों में सुभाष का लेकर प्राकृतिक कृषि के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यह कृषि पद्धति देसी गाय पर आधारित है। इस कृषि पद्धति में किसी भी प्रकार के खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जीवाणुओं पर आधारित यह कृषि है। इसमें उत्पादन कम होगा नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.